दोनों ही पार्टियां चुनाव को जीतने की तैयारी में लगी हैं। वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी। आचार संहिता लगने के साथ ही प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। सीमा पर अवैध शराब और अन्य नशीली वस्तुओं की तस्करी रोकने सहित चेकपोस्ट और पेट्रोलिंग बढ़ाने के मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाने वाली है। आचार संहिता लगने के साथ ही प्रदेश की सीमाओं को सील करने और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के मद्देनजर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिलों के आला अफसरों की संयुक्त बैठक हो चुकी है। सभी आला अफसर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। इस दौरान खास बात यह है कि पड़ोसी राज्यों से फर्जी वोटर्स का प्रवेश रोकने के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। सीमाओं को सील करने में इस बार तीनों प्रदेशों की सीमाओं पर निगाहें रखी जाएंगी। इस बार सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जाएगी। वहीं सीमाओं पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगी। साथ ही सीसीटीवी से कंट्रोल रूम में सीधी मॉनिटरिंग की जा सकेगी।